हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 20 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ मैं आपके समक्ष। आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे UPTGTPGT हो, UPLT ग्रेट हो, MP TET हो, MP SuperTET हो, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, चाहे KVS NVS हो, सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी चैप्टर के थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है एंड उसका चैप्टर वाइज MCQ भी बताया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन, सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजों को देखिए यदि आप नए हैं। तो दोस्तों, और मैं आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, इतना मैं प्रैक्टिस करा दे रही हूँ कि आप यदि डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने टॉपिक को देखिए, किस टॉपिक में आप कमजोर हैं उसको सुधारते जाइए, अभी से प्रिपरेशन करते रहिए, अवश्य आप सफल होंगे। क्योंकि दोस्तों, बूंद बूंद से एक तालाब भरता है, एक ही बार में तालाब नहीं भरता। आप सोचेंगे कि एग्जाम का डेट आ गया और हम तैयारी करें और हम सफल हो जाएं, तो ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ऐसा कह के, क्योंकि एकाएक कुछ होता नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता है नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के, 100 सीढ़ी है तो 100वां सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, गेस्टाल्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है प्रयत्न और भूल सिद्धांत, नो ट्रायल एरर, यानी कि प्रयत्न और भूल सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों ने इसमें कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अनुकूलन सिद्धांत भी नहीं किया था, सीखने का सिद्धांत तो उन्होंने दिया ही है, लेकिन कौन सा सिद्धांत दिया है ये आपको बताना है। तो गेस्टाल्टवादी के जनक हैं वर्दीमर, और गेस्टाल्टवादी में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इनसाइड थ्योरी का कोहलर ने। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। गेस्टाल्टवादी में क्या है कि सीखने के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है, यानी इसमें चेतन प्रयास होता है सीखने की पूर्ण से अंश की तरफ, यानी कि समस्या का समग्र रूपों का अवलोकन किया जाता है फिर कार्य किया जाता है। इसमें अधिगम अचानक से होती है, जैसा कि आपने कोहलर का देखा होगा कि वो चिंपैंजी पर उन्होंने अध्ययन किया और ऊपर वो केला लटका देते हैं और 2 बेंच रख देते हैं और बेंच के ऊपर वो चढ़ करके उसको खा लेता है, यानी कि पूर्ण परिस्थितियों का पहले अवलोकन करता है और एकाएक उसके अंदर दिमाग आता है ऐसा करने के लिए। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक विधि है, फीडबैक सीखने के लिए सहायक है कि बाधक है, कि न सहायक है न बाधक है। तो दोस्तों, अपने से सोचिए, फीडबैक का मतलब होता है कि आपने जो किया उसका पूरा मूल्यांकन। आप फीडबैक के द्वारा आप जानेंगे कि आपके अंदर कितना प्रगति हुआ है और क्या क्या भी बाकी है और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। तो फीडबैक आपके सीखने के लिए तो 100% है कि सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क, फीडबैक आपके सीखने में क्या है, सहायक है। नेक्स्ट है, शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है? दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के छात्र हैं आप लोग, स्टडी कर रहे हैं, तो शारीरिक कुशलताओं जिसमें शारीरिक हरकत हो जाए, शारीरिक अंगों का तेजी से क्रिया करना, ये सभी चीजें मोटर लर्निंग में आ जाएंगी। किसमें आ जाएंगी? मोटर लर्निंग में। तो शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है? तो मोटर लर्निंग से। नेक्स्ट, स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम यह भी है। सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा दोस्तों, स्वाभाविक
अभिप्रेरणा, जैसे कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? स्वाभाविक होती है, जन्मजात होती है। तो जैसे भूख प्यास ये जन्मजात है, इसको आप रोक नहीं सकते, आपकी बस की बात नहीं है, तो जन्मजात है। जैसे पुरस्कार हो गया, कोई पद अर्जित करना, ये अर्जित करना, ये आपका वाह्य अभिप्रेरणा है। तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक अन्य नाम है, क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, मानव मनोविज्ञान का अध्ययन सीमित है। दोस्तों जैसा कि मनोविज्ञान वाले पाठ में आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो अभी व्यवहार तक ही मनोविज्ञान सीमित है। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, व्यवहार। नेक्स्ट है, वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्न में से क्या माना था? तो आधुनिक मनोविज्ञान का विषय वस्तु है उत्तेजना, अनुक्रिया और आंतरिक अनुभव। तो वाटसन ने इसमें से माना था उत्तेजना अनुक्रिया को। किसने किसको माना था? उत्तेजना अनुक्रिया को। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? दोस्तों जब भी मनोविज्ञान की बात आए तो वर्तमान में उसको व्यवहार ही माना जाता है, और कोई आसन टिक मत कीजिएगा व्यवहार के सिवा, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक है? तो इसमें बालक व व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता की स्वयं खोज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों शिक्षा और सेवाओं में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति में इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, तभी तो माना जाएगा कि हाँ उचित शिक्षा उसको मिला है। ऐसे शिक्षा से क्या मतलब जो अपना निर्णय स्वयं ले ही ना सके। नेक्स्ट, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है? समन्वित यानी तालमेल बैठाना सबके साथ, तो यहां ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा दोस्तों कि समन्वित व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है, यानी कि व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में तालमेल हो, जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आप बार बार पढ़ चुके हैं कि सारी शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक सभी रूप से उसका विकास करना ही सारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो शारीरिक शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत में जो पाठ्यक्रम है उसको किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान से। नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए कौन सी परीक्षा पद्धति उपयुक्त है? तो दोस्तों यहां पे आपका आंसर दिया है सेमेस्टर पद्धति। सेमेस्टर पद्धति उपयुक्त माना है इसको, क्योंकि इसमें बीच बीच में कई खंडों में परीक्षा ले लिया जाता है, तो ये राइट होता है। निम्न में से क्या विषम है? अमेरिकन ग्रीफ,
फिनिश ग्रीप, हंगेरियन ग्रीप, स्पेनिश ग्रीप। तो यहाँ पे आंसर आपका दिया है स्पेनिश ग्रीप विषम है। किस आधार पे विषम है दोस्तों, इसका मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकती। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने और कब की थी। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि आइसोकाइनेटिक की खोज 1968 में जेम्स पेरिन ने किया था, लेकिन यहाँ 1968 नहीं दिया है, तो यहाँ पे पेरिन का नाम दिया है, तो 1960 ही आपका राइट माना जाएगा। जब 1960 जेम्स पेरिन दिया हो तो वो सही हो जाएगा, जब 60 नहीं दिया है कहीं पे 68 दिया है और जेम्स पेरिन दिया है तो वो राइट हो जाएगा। आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज 1960 में जेम्स पेरिन ने किया था, जिसकी मैंने बताया है बार बार बुक में दिया है 1968 जेम्स पेरिन ने। एंड यह मशीनों की सहायता से ज्यादातर पानी वाले खेले में किया जाता है आइसोकाइनेटिक, जैसे रोइंग, नाव खेना, तैरना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हो, ये 100% हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको आप हमेशा क्लियर करके रखिएगा। तो कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है दोस्तों, जैसा कि आइसोमेट्रिक यानी आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब तनाव, यानी कि मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी कि सेम लंबाई। आइसोमेट्रिक का मतलब सेम लंबाई, लंबाई में कोई चेंज नहीं, ना पेशियां छोटी होती है ना बड़ी होती है, इसे प्रत्यक्ष कोई गति नहीं दिखाई देती है, ठीक है, लंबाई में कोई चेंज नहीं होती है, सेम लंबाई होती है। तो यहाँ पे कौन पूछा है कि कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है दीवार को धक्का देना, ये तो आपका आइसोमेट्रिक है ही, इसमें ना लंबाई बढ़ रही है ना घट रही है, सिर्फ धक्का दिए है, तनाव बना हुआ है। दूसरा है आपका भार लेकर खड़े रहना, तो दोस्तों आप भार लेकर खड़े हैं तो आप स्थिर हैं, आपके अंदर गति होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, ना मांसपेशी छोटी हो रही है ना बड़ी हो रही है, तो ये भी आइसोमेट्रिक में ही आ जाएगा, भार लेके खड़े रहना, दीवार को धक्का देना, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन है एक ही स्थान पर दौड़ना, दोस्तों आप दौड़ रहे हैं तो पेशी कभी फ्लेक्शन हो रहा है, कभी एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, हाथ और पैर दोनों में, तो यहाँ पे तो एक ही स्थान पर दौड़ना आपका आइसोटोनिक हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, तो एक ही स्थान पर दौड़ना आपका नहीं है, आपका गर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है, आइसोटोनिक यानी आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव रहेगा, पेशियां छोटी बड़ी होंगी, गतियां स्पष्ट दिखाई देंगी, और इसमें कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो व्यायाम आते हैं आइसोटोनिक में। कंसेंट्रिक मतलब जो हम डंबल अभ्यास करते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है तो उसको कंसेंट्रिक कहते हैं, जब उसको वापस नीचे की तरफ लाते हैं विस्तार होता है तो उसको एक्सटेंशन यानी इसेंट्रिक कहते हैं। तो दोस्तों पेशियां इसमें छोटी बड़ी होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन आइसोटोनिक व्यायाम नहीं है, तो देखते हैं। भार प्रशिक्षण दोस्तों, वेट ट्रेनिंग आपका आइसोटोनिक का बेस्ट एग्जाम्पल है, कूदना भी है, ठीक है। एंड मेडिसिन बाल थ्रो के साथ व्यायाम ये भी है, ठीक है। एंड चौथा है दीवार को धक्का देना, तो ये आपको पता ही है ये आइसोमेट्रिक का है, आइसोटोनिक का नहीं है। तो ये आपका भार प्रशिक्षण, कूदना, मेडिसिन बाल के साथ व्यायाम करना, ये तीनों आपके आइसोटोनिक के अंतर्गत आते हैं, बट दीवार को धक्का देना ये नहीं आता, ये आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग नाव खेना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है, तो कई बार मैं बता चुकी हूँ हर एक वीडियो में। तो यह है आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो है, यह अक्सर पानी के खेलों में किया जाता है। नेक्स्ट है सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों जब यहाँ पे अंतराल प्रशिक्षण स्पीड इंड्योरेंस को डेवलप करता है, परिधि प्रशिक्षण यानी कि सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को डेवलप करता है, तैरना भी इंड्योरेंस को डेवलप करता है, निरंतर प्रशिक्षण विधि। तो जैसे कि सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधियां होती हैं, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड,
रिपीटेशन कंपटीशन। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मेजर सहन क्षमता को प्रदर्शित करने की अच्छी विधि मानी जाएगी कौन सी, कॉन्टिन्यूस मेथड यानी कि निरंतर प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? तो क्रॉस कंट्री दोस्तों, क्रॉस कंट्री में आपका सहन क्षमता की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड आपका राइट हो जाएगा, निरंतर प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट, फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों 1957 में गोस्टा होमलन ने फॉर्टलेक विधि का प्रयोग किया था, जो स्वीडिश भाषा में इसको स्पीड प्ले भी बोला जाता है। ये एक नॉट प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य तैयारी खेल प्रदर्शन के लिए करती है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों सामान्य तैयारी खेल प्रदर्शन के लिए करती है, तो यह आपका हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। खेल के सिद्धांत के बारे में मैंने बताया है कौन कौन से खेल के सिद्धांत है, जैसे वार्मिंग अप करना, कूलिंग डाउन करना, सामान्य विशिष्ट तैयारी करना, मतलब बहुत सारे आपके हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सभी खेल के सिद्धांत हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सामान्य तैयारी खेल प्रदर्शन के लिए करती है कौन सा सिद्धांत है, सामान्य तथा विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के सामान्य दक्षता एवं तकनीकी एवं युक्तिपूर्ण दो कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, तो यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह भी आपका सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट तैयारी के माध्यम से भी पुनः अंगों एवं यंत्र क्षमताओं का विकास तकनीकी एवं युक्तिपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? तो दोस्तों यह भी आपका सामान्य और विशिष्ट तैयारी के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, शक्ति, चाल, सहनशीलता, समन्वय योग्यता में योग्यताओं के किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है? तो दोस्तों यह सिद्धांत या स्पष्टता का सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। निम्नलिखित प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ी को खेल की तकनीकी एवं युक्ति का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराया जाता है, तो स्पष्ट रूप से आपका शब्द ही आ गया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? स्पष्टता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, खिलाड़ी को किसी भी खेल की तकनीकी युक्ति इससे संबंधित तथ्य को स्पष्ट रूप से ज्ञान कराना कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों यह भी आपका स्पष्टता का ही सिद्धांत है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी प्रक्रिया के सभी तथ्यों को अवगत होना चाहिए, क्या है, खिलाड़ी को प्रक्रिया के सभी तथ्यों से अवगत होना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? तो यह है क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि, व्यवहार और प्रदर्शन में बढ़ोतरी आदि का मूल्यांकन करना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह भी है दोस्तों सक्रिय क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, विभिन्न उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने में सर्वाधिक सहायक है, दोस्तों यह है विटामिन सी,
यह कोशिकाओं को आपस में बांधे रखती है। नेस है, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्न अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों, मादक पदार्थों से हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, यकृत भी यानी लीवर भी प्रभावित होता है, ब्रिक यानी किडनी भी, ये सभी आपका राइट हो जाएगा। नेस है, निम्न में से सबसे कम मादक पदार्थ है। तो दोस्तों, अफीम, शराब, ड्रग से ज्यादा मादक पदार्थ है, जबकि चाय चारों ऑप्शन में सबसे कम मादक पदार्थ वाला है। नेक्स्ट है, तपेदिक रोग उत्पन्न करने में निम्न जीवाणु सहायक होता है। तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्षय रोग भी इसको बोला जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। तो यहाँ पे आपका, और उसको बैसिलस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बैसिलस आपका राइट हो जाएगा, बैसिलस राइट हो जाएगा। टाइप टीबी यानी कि तपेदिक होता क्या है, टीबी यानी तपेदिक, यह एक श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े या श्वसन तंत्र को, जिसमें ज्वर, खांसी, थूक में रक्त आदि आता है। जब लगातार आपको खांसी एक हफ्ते से अधिक हो गया लगातार, तो वो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बन जाता है। नेक्स्ट है, त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने में निम्न जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, त्वचा संबंधी रोग जो है, फोड़े फुंसी जो है, इसको पैदा करने में जो कोकस जीवाणु है, कोकस जीवाणु विशेष रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, हैजा रोग फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक है। तो दोस्तों, हैजा जो है वह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यहाँ भी विब्रियो अक्वर राइट हो जाएगा। यह हमारे आंत, आहार नाल को डिस्टर्ब करता है, एंड ओमेटिंग और दस्त इसका लक्षण है। नेक्स्ट दोस्तों, वीसीजी यानी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का टीका बच्चों में निम्न अवधि में लगाया जाता है। तो अक्सर यह 0 से 6 माह के अंदर अवधि में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, गर्म देशों में पेचिश व मलेरिया को फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक होते हैं। तो दोस्तों, पेचिश और मलेरिया ये दोनों आपके हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। यानी कि जो मलेरिया होता है, इसका परजीवी यानी प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, एंड जो पेचिस है यह एंड अमीबा हिस्टोलेटिका परजीवी से होता है, इसका वाहक है दूषित भोजन, दूषित भोजन आप कर रहे हैं तो पेचिस आपका होगा, पेचिस को डिसेंट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एक इकाई होती है। तो आप सबको पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका यानी सेल। नेक्स्ट है, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती है। दोस्तों, तो वह करती है ऊतक यानी टीशू का निर्माण। समान रचना या समान कार्य वाले कोशिकाएं मिलकर के उत्तक यानी टीशू का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, उत्तक जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इपिथिलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन चारों के बारे में आप मेरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, समान कोशिका, समान कार्य, समान
प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, अंग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट अस्थियों का निर्माण होता है, तो अस्थियों का निर्माण कार्टिलेजों से यानी कि उपास्थियों से होता है, बाद में वो कठोर होकर अस्थि का उद्घाटन कर लेती है। एंड खनिज लवणों से, कार्बनिक पदार्थों से, इन सभी से होता है, क्या इन सभी के योग से होता है। नेक्स्ट अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फोरस उपस्थित होता है। कैल्शियम खाली दिया रहेगा तो कैल्शियम राइट होगा, कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों दिया रहेगा तो कैल्शियम फॉस्फोरस आपका राइट होगा, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारे खोपड़ी यानी स्कल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो कुल 29 होती हैं। कौन कौन से दोस्तों, 14 हमारे चेहरे में हो जाती हैं, 6 हमारे कान में हो जाती हैं, 3 दोनों 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 तरफ, ठीक है, एंड 8 हमारे मस्तिष्क यानी कि क्रेनियल बोन हो जाती हैं, और 1 हमारा हायर बोन। एक कुल मिलाकर के 29 बोन होती है हमारे खोपड़ी यानी स्कल में, लेकिन यहाँ पे 22 दिया, जब 29 दिया रहेगा तो 29 राइट रहेगा, ऑप्शन में 29 रहेगा तो 29 नहीं दिया रहेगा, अगर 22 दिया रहेगा तो आपका 22 राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती है, मस्तिष्क यानी क्रेनियल बोन की बात कर रहा है, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारे मानव रीढ़ी में, रीढ़ की हड्डियों में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं दोस्तों, तो कुल 33 होती हैं, जो बड़े होने पर, वयस्क होने पर 26 बच जाती हैं, जिसमें से आपका सर्वाइकल बोन यानी कि गर्दन में 7 होती हैं, थोरेसिक यानी वक्ष कशेरुका 12 होती हैं, एंड लंबर यानी कमर की कशेरुका 5 होती हैं। उसके बाद जो 9 होती हैं यानी कि सेक्रल और कॉक्सिजियल, सेक्रल जो 5 मिलकर के 1 बनती है उसको सेक्रल कहते हैं, और फिर कॉक्सिजियल जो होता है 4 बनकर के 1 बनती है उसको कहते हैं कॉक्सिजियल। इस प्रकार 26 बच जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 33 नहीं दिया है तब का होगा 26। दो प्रकार से, तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं, तो 33, मानव में कितनी होती हैं, तो 33, वयस्कों में कितनी होती हैं, तो 26, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे 33 ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट है कि शरीर के ऊर्ध्व भाग यानी कि जो अपर लिंब होता है, बाह में कितनी हड्डियां होती हैं, जैसे कि मानो हड्डी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में कुल 80 हड्डियां होती हैं, 29 हमारे खोपड़ी की एंड 26 हमारे रीढ़ की एंड 24 हमारी पसलियां होती हैं और एक उरोस्थी होता है, एक कुल मिलाकर के 80 हड्डियां होती हैं आपका एक्सियल कंकाल में। अपेंडिकुलर यानी कि अपर लिम्ब में 64 होती हैं, यानी कि हाथ हमारी, हमारे हाथ की दोनों हाथ में कितनी होती हैं अपेंडिकुलर में, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब में 64, लोअर लिम्ब में 62, मिलाकर के 126 हड्डियां होती हैं। तो एक्सियल कंकाल 80 और अपेंडिकुलर यानी कि उसमें 126, दोनों मिला के 206 हड्डियां होती है, यानी कुल हड्डियां कितनी होती है 206, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था एपीडेट में कि एक्सियल कंकाल कितनी होती है, तो 80, तो क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अपर लिम्ब की बात कर रहा है, तो अपर लिम्ब में कितनी होती है, तो 64 हड्डियां होती है। कैसे, हमारे हाथ में, दोनों हाथ में 30-30 होती है, 60 हो गया, हमारे दोनों हसली जिसे कहते हैं क्लेविकल बोन 2 हो गया यानी 62, और दो हमारे स्कंधास्थ यानी कि स्कैपुला हो गया 64, इस प्रकार कुल 64 हड्डियां होती हैं अपर लिम्ब यानी कि दोनों बाह में। नेक्स्ट है
शरीर के अधर भाग यानी कि लोअर लिम में, जांग आदि में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों दोनों पैरों में 30-30 हो गया, और दो हड्डी हमारे हिप में होती है कुल्हे में, यानी कुल 62 हड्डियां हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? तो आपका सही जवाब है हृदय। नेक्स्ट है, कितने नगरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2 बार से अधिक किया है? तो दोस्तों 3 नगरों ने किया है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को अभी यहाँ पे याद नहीं है, जैसे कि लंदन आपने देखा है 1948 में, 1908 में एंड 1912 में लंदन में हुआ है। तो ये लंदन हो गया एक, और कौन सा देश है जिसमें 2 बार से ज्यादा हुआ, जैसे टोक्यो जापान हो गया, एंड और कोई देश है, फ्रांस पेरिस हो गया, ये सभी हैं। आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं इसका श्रेय दिया जाता है सर दुराबजी टाटा को, इन्होंने ही अथक प्रयास से 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया और भारत में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार दिया जाते था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में काउ यानी कि जंगली जैतून के पत्तों के ताज को पहनाया जाता था। नेक्स्ट, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? दोस्तों यह भारत में नई दिल्ली में हुआ था 2010 का। और कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुआ था यानी कि राष्ट्रमंडल खेल को ही कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में, एंड भारत में कब हुआ था 2010 में नई दिल्ली में, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। एंड 2022 में कहाँ हुआ था दोस्तों? 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। एंड 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, जिसमें भारत ने 61 पदक प्राप्त किए, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल। भारत चौथा स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा कुल 178 पदक के साथ। एंड 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का होगा, कहाँ पे होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 53 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।